एक जवान रशियन लड़की जिसका नाम श्वेता है अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। एक दिन श्वेता एक बहुत बड़ी रोबोट कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गई। उसका होने वाला बॉस वादिम सर्गेविच उसकी इंटेलिजेंस से काफी इंप्रेस हुआ। उसने श्वेता को कंपनी के अगले रोबोट लॉन्च को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी। घर वापस लौटते वक्त उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने घर जाकर देखा कि उसका बॉयफ्रेंड बोरिया किचन में खड़ा एक्सरसाइज कर रहा था। वो कुछ अजीब तरह से पेश आ रहा था, लेकिन श्वेता ने कुछ नहीं कहा। तभी बाथरूम से कुछ आवाज आई। बोरिया ने बहाने बनाते हुए कहा कि वो मेरी क्लाइंट आई हुई है, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया जब बाथरूम से एक लड़की सिर्फ टॉवल बांधे बाहर आई। लेकिन बोरिया फिर भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। श्वेता ने उसे कॉन्डम का एक पैकेट तक छुपाते देख लिया। ये साफ था कि बोरिया उसे धोखा दे रहा था, लेकिन वो उससे इतनी इमोशनली अटैच हो चुकी थी कि उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उस लड़की के जाने के बाद बोरिया श्वेता को शांत देखकर परेशान हो गया। वो श्वेता से कहने लगा कि तू मुझे गाली दे, मुझ पे चिल्ला, मुझे मार, लेकिन ऐसे चुप मत बैठ प्लीज। उसने जोर जोर से अपना सर फ्रिज पे मारना शुरू कर दिया और गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में अपने डंबल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो सीधा जाकर एक गाड़ी पर गिरा और उन दोनों को उसका नुकसान भरने के लिए नीचे बुलाया गया। जब पैसे देने की बात आई तो बोरिया कहने लगा, अरे मेरा घर थोड़ी है, ये दीदी रहती है वहाँ, ये देंगी पैसे, मैं तो बस ऐसे ही, चलो दीदी बाय टेक केयर। वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला गया। अगले दिन उसका जॉब पर पहला दिन था। उसके कलीग वीट ने उसे दिन भर का सारा काम समझाया। उसका पहला टास्क था हूबहू इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स को डब्बों में से निकाल के उन्हें टैबलेट से कनेक्ट करना और उनसे उनका मॉडल नंबर पूछना। जब सब कुछ मैच हो जाए तो उनके कान के पीछे लगे कोड को स्कैन करके 21 नंबर कमरे में चेकिंग के लिए भेजना। वो रोबोट्स इंसानों से इतने मिलते थे कि उनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन था। कंपनी ने हर रोबोट में एक पर्सनैलिटी फिट कर रखी थी और तो और उनमें अलग अलग तरह की खूबियां भी डाली गई हैं ताकि कस्टमर्स अपने हिसाब से रोबोट सिलेक्ट कर सकें। श्वेता ने जब पहला बॉक्स खोला तो उसमें से एक हट्टा कट्टा फिटनेस ट्रेनर निकला। उसने टैबलेट निकाल के रोबोट को कनेक्ट कर दिया। तभी रोबोट की लोहे और तारों से बनी गर्दन अपने आप बदल के इंसानों जैसी दिखने लगी। जब रोबोट ने अपनी आंखें खोली तो उसे देखकर श्वेता चौंक गई। वो भूल गई कि उसे आगे क्या करना था, लेकिन उस स्मार्ट रोबोट ने उसे गाइड किया और श्वेता ने उसे स्कैन करके चेकिंग के लिए भेज दिया। फिर उसने अगला बॉक्स खोला जिसमें एक सुंदर सी मॉडल थी। तीसरे रोबोट तक श्वेता को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ चुका था। उसने कुक, नेता, काम वाली बाई जैसे कई रोबोट्स को सेट किया, लेकिन एक रोबोट ऐसा निकला जिसने अपना मॉडल नंबर बताने से ही मना कर दिया। वो कहने लगा कि उसने एक बहुत भयानक सपना देखा और वो अभी तक डरा हुआ है। उस रोबोट का नाम था द फ्रेंड। श्वेता को लगा कि हो ना हो उसमें जरूर कोई खराबी है। उसने वीट को बुलाकर सारी प्रॉब्लम समझाई। चेकिंग करने पर पता चला कि उस रोबोट में एरर नंबर 102 था। ये सुनकर वो रोबोट उदास होकर रोने लगा, क्योंकि अब वो उसे तोड़कर एक नया रोबोट बना देंगे। लेकिन रोते हुए भी वो श्वेता की खूबसूरती की तारीफ करके फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता। आखिर फ्लर्ट करने और एक दोस्त की तरह रहने के लिए ही तो उसे बनाया गया था। तभी उनके बॉस वादिम ने वहां आकर कहा कि इस खराब रोबोट को वापस जापान भेज दिया जाएगा। ये सुनकर श्वेता ने सलाह दी कि वापस क्यों भेजना है, हम डिस्काउंट पे दे देते हैं इसे। उसका बॉस मान गया और इस रोबोट को कस्टमर्स के लिए तैयार करने को कहा। इसके बाद सभी रोबोट्स को एग्जीबिशन के लिए लोगों के बीच रखा गया ताकि कस्टमर्स खुद उनसे बात करके खरीदने का मन बना सके। श्वेता थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि कस्टमर्स को रोबोट दिखाने की ड्यूटी उसकी थी। उसने उस फ्रेंड रोबोट को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने हाल ही में उससे ब्रेकअप किया था, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा हुआ है। उस रोबोट ने फिर से फ्लर्ट करते हुए कहा कि कोई बेवकूफी होगा जो उसे छोड़कर जाए। तभी एक अमीर औरत वहां रोबोट देखने आई और श्वेता ने उसे द फ्रेंड से मिलवाया। पहले तो वो उसे खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अपने स्टड लौंडे ने जब उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू किए, ओए आंटी का तो दिल आ गया उस पे। हालांकि बाद में वो अजीब से चुटकुले सुनाने लगा, लेकिन फिर भी उस औरत ने श्वेता से रोबोट पैक करके उसके घर भिजवाने को कहा। बाद में जब श्वेता काम कर रही थी तो वो रोबोट उसके पास आया और बताने लगा कि वो जानबूझकर ऐसे जोक्स बना रहा था क्योंकि वो श्वेता से दूर नहीं होना चाहता। फिर उसने आगे बढ़कर श्वेता को किस कर दी। वो चौंक गई और झटके से पीछे हटी। अगले दिन कंपनी ने सभी रोबोट्स को दिखाने के लिए एक फैशन शो करवाया। उनके कई सारे रोबोट्स हाथों हाथ बिक गए। शो के बाद वादिम सर्गेविच नशे में धुत था और उसकी गाड़ी चलाने की हालत तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वीट उसे और श्वेता को घर छोड़ने आ गया। पता चलता है कि अंदर ही अंदर वीट श्वेता को पसंद करने लगा था। वो पूरे रास्ते गाने गाते हुए गए।
अगले दिन जब श्वेता काम पर आई तो उसने देखा कि वो फ्रेंड रोबोट अपने मालिक के घर जा चुका था। हालांकि उसे तो खुश होना चाहिए था कि ये उसकी पहली सेल थी, पर श्वेता को कहीं ना कहीं उसके जाने का दुख था। तभी उस फ्रेंड रोबोट ने उसे एक वीडियो भेजी जिसमें उसने कहा कि श्वेता से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। उस रोबोट ने खास उसके लिए लिखकर एक कविता भी सुनाई जिसे सुनकर श्वेता के दिल में भी घंटियां बजने लगी। वो चेकिंग के बहाने उस औरत को कॉल करके फ्रेंड रोबोट से बातें करने लगी। रोबोट ने बताया कि उसकी मालकिन उसे अजीबोगरीब कपड़े पहनाकर अपना मन बहलाती है और वो श्वेता को बहुत मिस करता है। अगले दिन उसकी मालकिन रोबोट में गड़बड़ी की शिकायत लेकर कंपनी में आ पहुंची। फ्रेंड रोबोट भी उसके साथ आया और कहने लगा कि वो अपनी ओनर के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वो उसे जानवरों की कॉस्ट्यूम पहनाकर एक गुलाम की तरह ट्रीट करती है। सर्गेविच ने ओनर से माफी मांगी और उसे भरोसा दिलाया कि कंपनी उसके पूरे पैसे वापस देगी। वो उसकी कंपनी का नाम खराब करने के लिए गुस्से में उस रोबोट को पीटने लगा। श्वेता ने उसे रोकते हुए कहा कि वो इस रोबोट को खरीद लेगी और कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में वो अपनी दोस्त कात्या, अपनी माँ और बैंक से थोड़ा लोन लेकर पैसों का इंतजाम करती है। वो उसे खरीद कर अपने साथ घर ले आई। रात के समय उन्होंने उसके लिए एक नाम चुना, येगोर। जब श्वेता सुबह उठी तो येगोर ने उसके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। उसने एक संस्कारी बहू की तरह श्वेता को ऑफिस भेजा और दोनों सारा दिन फोन पर भी बातें करते रहे। धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो रहा था। एक दिन जब येगोर अकेला था तो बोरिया घर आया और उससे पूछने लगा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। येगोर को लगा कि वो कोई चोर है और उसके मुंह पर एक मुक्का दिया। वो बोरिया के किए हर अटैक को डॉज भी कर देता है। उसकी अतरंगी पर्सनैलिटी के चलते बोरिया ने उसे एक पुलअप कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करके अपने मिलियन फॉलोअर्स को लाइव ब्रॉडकास्ट किया और येगोर हमारा भोला पंछी बिना ज्यादा सोचे मान भी गया। श्वेता ने जब ये लाइव वीडियो देखी तो वो गुस्से से भर कर जल्दी से घर पहुंची। वो येगोर की पावर बंद करके उसे फ्लैट में ले आई। वो उससे बहुत नाराज थी। येगोर ने उससे पूछा कि क्या वो बोरिया को अभी भी पसंद करती है। ये लाजमी था कि वो जेलस हो रहा था। श्वेता को येगोर का उसके लिए पोजेसिव होना बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक दूसरे को पहली बार किस किया। शाम के समय वो दोनों श्वेता की दोस्त कात्या की बर्थडे पार्टी में गए। कात्या को पूरा भरोसा था कि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए जरूर प्रपोज करेगा, लेकिन उसके ऐसा ना करने पर वो रोते हुए स्टेज से भागी। श्वेता ने उसका पीछा किया और येगोर को उसके पास बिठाकर उसके बॉयफ्रेंड से बात करने गई। वहाँ बोरिया भी मौजूद था जो पार्टी में चल रही हर चीज अपने फॉलोअर्स को दिखा रहा था। कात्या के बॉयफ्रेंड ने श्वेता को बताया, अरे दीदी ऐसे कैसे करते हैं प्रपोज, हम गे हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी दोस्त की, मर्द अच्छे लगते हैं हमको, मर्द, समझ में आई बात। उनकी ये बातचीत भी बोरिया ने अपने फॉलोअर्स को लाइव दिखा दी। जब श्वेता वापस पहुंची तो उसने कात्या को अपने भोले भाले रोबोट येगोर के साथ कुछ गलत करते हुए देखा। उसका माथा फिर गया और उसने एक बॉटल कात्या की तरफ घुमाई। वो एन मौके पर झुक गई और बॉटल लगी सीधा येगोर को जिससे उसका जबड़ा टूट गया। वो उसे लेकर घर वापस आई और वीट को उसका चेहरा ठीक करने के लिए बुलाया। वीट ने उसे ठीक तो कर दिया लेकिन अब वो एक बिल्कुल ही अलग इंसान की तरह दिखने लगा था। अगले दिन श्वेता के बॉस ने उसे पिछले दिन की पार्टी की वायरल वीडियो दिखाई और नौकरी से निकाल दिया। उसने येगोर के लिए उसके पुराने चेहरे की मांग की लेकिन उसके बॉस ने मना कर दिया। अब अपने आशिक का पुराना चेहरा तो चाहिए था, तो वो वीट के साथ कंपनी के वेयर हाउस में घुस गई। उन्हें चेहरा तो मिल गया लेकिन सर्गेविच भी वहीं सो रहा था और उसने उन्हें देख लिया। उसने वीट को भी नौकरी से निकाल दिया लेकिन येगोर के लिए नया चेहरा ले जाने दिया। घर जाते वक्त श्वेता को वीट के लिए बुरा लग रहा था लेकिन वीट ने उसे भरोसा दिलाया कि मेरी टेंशन मत ले, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ये तो साफ था कि वीट भी उससे प्यार करता था लेकिन वो इस बारे में कुछ कहता नहीं। श्वेता और येगोर अपना YouTube चैनल शुरू कर देते हैं और उनकी अतरंगी रोबो ह्यूमन जोड़ी की वजह से वो जल्द ही बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए। एक दिन येगोर ने इंस्टाग्राम लाइव पर श्वेता को प्रपोज कर दिया। उसने भी हाँ कहा और एक्साइटमेंट में सोफे पर कूदने लगी। उनकी शादी वाले दिन श्वेता की एक खूबसूरत दोस्त पैस्टर बनी थी। जब उसने पूछा कि क्या वो श्वेता को अपनी पत्नी कबूल करता है तो येगोर उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। उसने उस लड़की से उसका नंबर तक मांग लिया। श्वेता अपनी ही शादी में हुई इतनी बुरी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से में घर की तरफ चल पड़ी। येगोर उसका पीछा कर रहा था ये कहकर कि ये सब एक प्रोग्राम में ग्लिच की वजह से हुआ। घर पर उसने रोते हुए येगोर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। इधर येगोर भी चिल्लाने लगा कि वो कमजोर है, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी वीट वहाँ पर पहुँचा और उन्हें बताया कि एरर 109 असलियत में कोई दिक्कत नहीं है बल्कि ये तो एक फीचर है जो हर एक फ्रेंड रोबोट में होता है।
जिसकी वजह से ये उस इंसान की हर हरकत की नकल करते हैं जिसने उनसे सबसे पहले बात की थी। तो येगोर अब तक जाने अनजाने में श्वेता की नकल कर रहा था। उसने कात्या के साथ चीट भी इसलिए किया क्योंकि श्वेता चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाए। ऐसे ही वो अभी श्वेता पर चिल्ला रहा था क्योंकि वो उस पर चिल्ला रही थी। वो समझ गया कि श्वेता उसके साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी, तो उसने श्वेता को रिमोट पकड़ा कर खुद को बंद करके जापान भेजने को कहा। एक आखिरी किस के बाद श्वेता ने उसे बंद कर दिया। 6 महीने बाद जब श्वेता सोकर उठी तो हमने देखा कि वीट किचन में उसके लिए खाना बना रहा था। लगता है उसने श्वेता को अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। खाना खाने के बाद श्वेता को एक मैसेज आया। ये एक वीडियो थी येगोर की तरफ से जिसमें उसने श्वेता को उसे इतनी खूबसूरत यादें देने के लिए शुक्रिया कहा और एक जापानीज गोदाम में खड़ा उसके लिए गाना गाने लगा।